फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिली पोटैटो की रेसिपी, जिसके लिए हमने 4-5 बड़े आलू ले लिए थे और उनको फ्रेंच फ्राई के शेप में काट लिया है और उनको अच्छे से धोकर सूखा कर लिया है। अब इसमें हम 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला देंगे। इनको अच्छे से मिलाकर हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, देखिए 5 मिनट हो गए हैं और तेल भी हमारा लगभग गरम हो गया है। और देखिए आलू भी हमने 5 मिनट रख दिया था, तो उसमें कॉर्नफ्लोर हमारा अच्छे से चिपक गया है, क्योंकि आलू हल्का सा गीला था। तो चलिए अब तल लेते हैं इसको। गैस को हम मीडियम आंच पे कर देंगे। जो बचे हुए पोटैटो हमको फिर से डाल देंगे। तो देखिए हमने सारे पोटैटोज निकाल लिए हैं। अब चलिए चिली पोटैटो बनाने के लिए फिर से एक बार कढ़ाई गैस पर रखते हैं। देखिए हमने 2-3 चम्मच तेल डालकर रख दिया है। अब ये गर्म हो जाए फिर इसमें सब्जियां डालते हैं। तेल देखिए गर्म हो गया है। अब इसमें हम 2-3 कटी हुई हरी मिर्चियां डाल देंगे, 2-3 लहसुन की कलियां डाल देंगे काट के, देखिए लहसुन भी हमारा हल्का हो गया। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। देखिए प्याज भी हमारा हल्का हो गया है। अब चलते हैं शिमला मिर्च डाल देते हैं। देखिए शिमला मिर्च भी हमारा सॉफ्ट हो गया है और इसमें 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाल के हल्का सा भून लेंगे। एक चम्मच सोया सॉस भी डाल देंगे। रेड चिली सॉस थोड़ा सा और डाल देते हैं, आधी चम्मच। आधा कप पानी डाल देंगे। थोड़ा सा उबलने देंगे। देखिए ये पानी हमारा थोड़ा सा उबलने लगा है।
अब इसमें हम ये आधा एक चम्मच कॉर्नफ्लोर है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी मिलाकर आधा चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच रेड चिली सॉस और आधा चम्मच टोमेटो सॉस डाल लिया है, मिला लिया अच्छे से। अब इसको हम इसी में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अब इसको अच्छे से उबलने देंगे। देखिए अच्छे से खोल गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी आधी चम्मच से कुछ कम लाल मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच नमक डाल देंगे, देखिए हमारी ग्रेवी खोल गई है। इसमें हम आलू डाल देंगे। अच्छे से ये सब मिला लेंगे। तो देखिए हमारा कितना टेस्टी चिली पोटैटो बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसको हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।